कि रोड के इतने बुरे हाल हो रखे हैं, 5 साल से इस रोड के इतनी हालत खराब हो गई, गाड़ी चलाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अधिकारी कोई ध्यान दे रहा है। पांच सालों से लापता है पौड़ी विधानसभा का विधायक, विकास कार्यों के लिए तरस रही जनता, ग्रामीणों में आक्रोश। सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर उत्तराखंड चुनाव जीतने वाली बीजेपी सरकार इस बार सुर्खियों में है। पौड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता पिछले 5 सालों से विकास कार्यों के लिए तरस रही है। सड़क, मोबाइल टावर, रास्ते, बिजली, चिकित्सा सेवाओं जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक मुकेश कोहली पिछले 5 सालों से लापता है, जिसकी वजह से विकास कार्य ठप पड़े हैं। परसुंडा खाल से रचुली, भैसरो, द्वारखील, नलाई, कजली खाल और टेका जाने वाली सड़क 5 सालों से क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टूटी फूटी सड़कों से बीमार आदमी को अस्पताल ले जाने में बड़ी परेशानी होती है। इस समस्याओं को लेकर ग्राम नलाई की जनता ने आंदोलन कर विधायक मुकेश कोहली का जमकर विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्य नहीं तो वोट भी नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का रुख बदल सकता है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर सड़क मरम्मत नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम साहब जसवंत सिंह नेगी है। हाँ। मैं ग्राम सभा द्वारखील का हूँ। साहब जी, ये देखो कि रोड के इतने बुरे हाल हो रखे हैं, 5 साल से इस रोड के इतनी हालत खराब हो गई, गाड़ी चलाने में बड़ी मुश्किल हो रखी है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें बड़ी दिक्कतें हो रही, आने जाने बहुत परेशानी हो रही सभी लोगों को। क्या विधायक सुनता नहीं? क्या विधायक नहीं सुनता है, नेता कोई नहीं सुनता साहब इस बारे में, और बड़ी परेशानी है साहब इसमें। ये रोड के बहुत बुरे हाल है।